डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर ओट टू है, मॉडल। यस, ओट टू भी एक मॉडल है और ओट टू का मीनिंग भी सेम होता है जो शुड का मीनिंग होता है, चाहिए, लेकिन दोनों में हल्का सा फर्क है। वो क्या फर्क है आपको हम डिफाइन करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होगा आपको समझाते हैं। देखिए, ओट टू जो है चाहिए के लिए आता है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं, रिमेंबर, याद रखिएगा। वे सेंटेंसेस जिनमें मॉरल ड्यूटी हमारा मौलिक अधिकार जो होता है, सोशल वर्क, समाज का काम, जो हम किसी ड्यूटी की तरफ इंडिकेट करें, इशारा दे के आपको करना है, या फ्यूचर के लिए हम रिकमेंड करें किसी काम के लिए, या फ्यूचर की किसी डिजायर के लिए हम रिकमेंड करें, तो वहां पर हम ओट टू का यूज करेंगे। मॉरल ड्यूटी, जैसे कि हमें वी ओट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। सब जानते हैं कि ट्रैफिक जो रूल्स हैं, ट्रैफिक लॉ, हम उसका पालन करना चाहिए। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, फिर मेन वर्ब आ गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारा ओट टू का यूज है। चाहिए शुड के लिए भी आता है, लेकिन शुड जो है, मैंने आपसे कहा था, वो नसीहत देने लेने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, या जरूरी काम के लिए, ये भी जरूरी है, लेकिन यहां ड्यूटी दिख रही है तो वहां ओट टू का यूज करेंगे। एवरीवन ओट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हर किसी को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, इसको आप नसीहत करके समझाएंगे, एवरीवन ओट टू, एवरीवन शुड, फिर इस तरीके से आएगा। अगर आप ओट टू ड्यूटी समझा रहे हैं, उसकी ड्यूटी है, उसकी उसका अधिकार है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, तो एल्डर ऑट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ऑट टू से आप बता रहे हैं कि ये आपकी ड्यूटी, हर इंसान की ड्यूटी है ये। ओके, यू ऑट टू टेक ड्राई फ्रूट्स, फ्यूचर के रिकमेंड कर रहे हैं आप, कोई दिमाग से कमजोर हो रहा है, आपको एमंड्स खाने चाहिए, यू ऑट टू टेक एमंड्स, बादाम, ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे, आपको ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। शी ऑट टू डू अ बेटर जॉब, किसी की नौकरी के लिए परेशानी हो रही है, वो जॉब कर रही है, पूरा नहीं हो रहा उसका, फिर उसको जो है ना एक अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए। शी ऑट टू सर्च अ न्यू जॉब, शी ऑट टू डू अ न्यू जॉब, फ्यूचर रिकमेंड। ओके, ऑल ऑफ अस, हम सबको, जैसे हमारी ड्यूटी है क्या, कानून का पालन करना, हम सबको कानून के नियमों का पालन करना चाहिए। ऑल ऑफ अस ऑट टू, हम सबको रेस्पेक्ट द लॉ, कानून की इज्जत करनी चाहिए, हमें कानून की इज्जत करनी चाहिए। ही ऑट टू रिसीव द गिफ्ट टुडे, एक आप जैसे कि आप कह सकते हैं कि इंडिकेटर फ्यूचर के लिए आपने गिफ्ट भेजा किसी को, उसको आज रिसीव कर लेना चाहिए, यानी कि गिफ्ट पहुंच जाएगा उसके पास। ही ऑट टू रिसीव द गिफ्ट टुडे, आज उसे गिफ्ट रिसीव कर लेना चाहिए। अबूजर ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, अबूजर काम करने वाला, सब्जेक्ट और टू हमारा, यस मॉडल वर्ब, फिर हमारा मेन वर्ब आ गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी आप फ्यूचर के लिए किसी को रिकमेंड कर रहा है कि अबू सर ऑट टू कंसल्ट डॉक्टर, अबू सर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है किसी के बारे में बात चल रही है, तो हमारा ये ऑट टू है, तो ऑट टू समझे, यस ऑट टू हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, यस चाहिए के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है शुड के और ऑट टू के अंदर बीच में। अब देखिए, एक ये भी है, दैट बाय ऑट टू रिटर्न हर डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, बच्चे कॉपी मांग लेते हैं दूसरे से, टाइम पे देते नहीं है स्कूल के अंदर, किसी को वापस करनी है, काम पूरा कर लिया, तो आप उसको जो उसकी ड्यूटी को ध्यान दिला रहे हैं, नहीं कि दैट बॉय या एवरीवन, कोई भी हो सकता है, हर किसी को, यानी कि दैट बॉय उस लड़के को डॉक्यूमेंट्स या कॉपी जो भी है टाइम पर वापस करनी चाहिए, आप उसकी ड्यूटी समझा रहे हैं। जैसे दे ऑट टू हेल्प द पुअर पर्सन, सामाजिक काम उन्हें या हमें, हम सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू डोनेट ब्लड, ये भी समाज का काम है, रक्तदान करना, कि हमें जो है खून दान करना चाहिए। इस तरीके से और भी काम हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि यू ऑट टू सर्व कंट्री, यू ऑट टू सर्व कंट्री, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, ये भी हमारा क्या है, अधिकार है, हर किसी का अधिकार है कि देश की सेवा करे। तो वह इस तरह का सेंटेंस अब जो है हम वहाँ पे ऑट टू का यूज करेंगे, प्रोग्राम हो रहा है हमारा कोई सा, अब वहाँ बेंचेस कम लगी हुई है, टेबल्स कम लगी हुई है फंक्शन के अंदर, तो आपने फ्यूचर के लिए रिकमेंड करा कि देयर ऑट टू बी मोर, देयर ऑट टू बी मोर टेबल्स फॉर गेस्ट, गेस्ट के लिए, मेहमानों के लिए और ज्यादा टेबल्स वहाँ होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ भी, देयर ऑट टू बी मोर स्पेस फॉर पार्किंग, इस तरह फ्यूचर रिकमेंड कर रहे हैं, वहाँ ऑट टू का यूज करेंगे। नेगेटिव भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा शी ऑट नॉट टू, क्या होगा, शी ऑट नॉट टू स्पीक सो लाउडली, उसे इतनी जोर से नहीं बोलना चाहिए। समझा रहे हैं आप कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप जोर से बोल रही है, तो वहां पर उसको समझा रहे हैं किसी को भी, यू करके शी करके, तो वहां पर ऑट का और ऑट नॉट टू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों के, बहुत सिंपल पॉइंट है, शूट के तरीके से है, इट हैज बीन क्लियर नाउ, मीट अगेन नेक्स्ट वीक वेरी सून For another chapter. Thanks for watching.